हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एम टी पी के मेकअप ट्यूटोरियल बाय पूजा कश्यप में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप परफेक्ट तरीके से फाउंडेशन को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। परफेक्ट फाउंडेशन अप्लाई करने से आपका फेस दिख सकता है स्मूथ और ग्लोइंग। तो उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर अप्लाई करेंगे सीरम। अगर आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई है तो आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं फेशियल ऑयल। इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी प्राइमर। इसके बाद मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगी मॉइस्चराइज़र। अब हमारी स्किन बिल्कुल रेडी है बेस अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगी कलर करेक्टर। अब मैं इसको हाथों से ही मिक्स करूंगी। कलर करेक्शन मैंने यहाँ पर कर लिया है। अब मैं यहाँ पर अप्लाई कर लूँगी फाउंडेशन। यहाँ पर मैं फाउंडेशन में मिक्स करूँगी कंसीलर, क्योंकि फाउंडेशन मेरी स्किन से लाइट है। यहाँ पर मैंने फाउंडेशन में कंसीलर को मिक्स कर लिया। अब मैं इसे अप्लाई करूँगी। अब मैं यहाँ पर ब्यूटी ब्लेंडर से फाउंडेशन को अप्लाई कर लूँगी। जब भी आप फाउंडेशन को ब्लेंड करें तो डैब डैब करके आपको ब्लेंड करना है, और जब भी आप ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ करें तो उसे गीला करके यूज़ करना है। अब मैं यहाँ पर अप्लाई कर लूँगी कंसीलर। अगर आपके स्माइल करने से आपके फेस एरिया पे लाइन पड़ती है तो इसके लिए आपको फाउंडेशन ब्लेंड करते वक्त ऐसा फेस बना के करना है। इससे फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड होगा और आपकी फेस पे लाइंस भी नहीं पड़ेगी। अब मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगी कॉम्पैक्ट पाउडर। इससे हमारा बेस अच्छे से सेट हो जाएगा। जब भी आप कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई करें, जब आप पाउडर लें तो उसमें से एक्स्ट्रा निकाल। देख सकते हैं यहाँ पर फेस का बेस कितने अच्छे से सेट हो चुका है। यहाँ
यहाँ पर मैंने आपको बेस को अच्छे से सेट करना बता दिया है, अब मैं आपसे मिलूंगी फाइनल लुक पे। तो देखा आपने, यहाँ पर बस हम कुछ ही स्टेप्स को फॉलो करके फ्लॉलेस और ग्लोइंग मेकअप पा सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा फाइनल लुक कमेंट्स करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।